हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त यश भार्गव। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे दूसरे यूट्यूब वीडियो में, जिसके अंदर अपन चलेंगे देवानी सरोवर, जहां पे मैं आपको कुछ मंदिर दर्शन कराऊंगा और ये बहुत चीज़ें दिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस, लेट्स बिगिन। दोस्तों, यह है समिष्ठा, जो कि देवयानी से पहले अपने को रास्ते में देखने को मिलती है। और आओ, हम आपको समिष्ठा के अंदर लेके चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पेस है, और पानी तो अभी थोड़ा गंदा है, लेकिन इस पानी को साफ करवाने की तैयारी चल रही है। और ये नहाने के लिए यहाँ पर चबूतरा बना हुआ है, और ये छोटा सा कुंड है, यहाँ पे नहा सकते हैं। ये है वो कुंड, ये छोटा कुंड है, थोड़ा साफ है, थोड़ा साफ है। ये जो हमने अच्छे से देखा था, ये बेसिकली महिला कुंड है, जैसे महिलाओं के लिए बनाया स्पेशल। तो अब हम चलेंगे देवी सरोवर। अंदर जैसा आप देख सकते हैं, मंदिर इस समय बंद है। अभी शाम को 7 बजे करीब आरती होगी, उस समय मंदिर खुलेगा। तो अपन वैसे जाएंगे जागेश्वर भगवान की तरफ। दोस्तों, ये है देवयानी का मेन एंट्रेंस, यहाँ से हम एंट्री लेंगे देवयानी के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ देवयानी के अंदर मंदिर वगैरह। तो आइए चलते हैं। सो कम ऑन गाइस, ओपन चलेंगे जाते हैं बाबा की तरफ। सो गाइस, ये देखिए, ये है बाबा की बगीची, ये है दूना जागेश्वर बाबा का, और ये पूरी बगीची है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है बगीची के अंदर। कई पक्षी हैं जो गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं। और देखिए, पूरी हरियाली हरियाली है। तो अब अपन चलेंगे अपने अगले मंदिर की तरफ। तो गाइस, लेट्स बिगिन। ये जागेश्वर बाबा के मंदिर से जज्जे सामने है साक्षी गोपाल जी का मंदिर। यह है पूरा देवयानी सरोवर, जो कि सेंटर में से 17 फुट तक गहरा है। यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है हर किसी के लिए। और ये पूरे कमल के फूल ही फूल ने, देखिए गाइस, कमल भी खिला हुआ है एक फूल के ऊपर। तो
गाइस ये देखिए, ये है गौमुख। बारिश के समय यहाँ से बहुत ही तेज रफ्तार से बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है पानी का। अभी यहाँ पर एक पाइप लगा रखा है, ये पाइप इसलिए लगा रखा है कि बारिश के अलावा जो पानी आता है इसके अंदर दूर दराज से जो पानी आता है उस पाइप के जरिए आता है अभी, और ये पानी यहाँ से निकल कर यहाँ से होता हुआ फिर देवानी में जाता है। तो दोस्तों ये है देवानी का महिला घाट, यहाँ पर नहाने की व्यवस्था है, यहाँ पेड़ वगैरह हटा रखे हैं जिससे कि नहा सके आराम से और स्नान वगैरह करके मंदिर को दर्शन वगैरह कर सके। और ये पूरा यहाँ बैठने करने की व्यवस्था है कि स्नान करने वालों को दिक्कत ना हो देवानी के अंदर। तो चलिए अब चलते हैं पुरुष घाट की तरफ। एक छोटा सा पुरुषों का घाट है और आपको एक देवानी खासा बताता हूँ। देवानी में भोले बाबा के चार मंदिर हैं जो चार अलग अलग दिशाओं में हैं। एक अपन अभी जागेश्वर बाबा के जाकर आए हैं, एक है ये राजराजेश्वरी मंदिर जो कि देवानी सरोवर के पश्चिम घाट की तरफ है, और दो मंदिर और हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये चार मंदिर देवानी के चार स्तंभों की तरह हैं जो कि देवानी के चारों कोनों में महाकाल के प्रतीक हैं। ये है पुरुष घाट बड़ा वाला, यहाँ पे टाइल्स वाइल्स लगा के बहुत ही अच्छा से कर रखा था, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही वगैरह के कारण और कुछ एक्सीडेंट्स होने के कारण इसको पानी को खाली कर दिया गया और उसके बाद से दोबारा इसके अंदर पानी नहीं भरा गया। अब जिसको भी स्नान करना होता है इन छोटे घाटों में स्नान कर लेते हैं। छोटे घाट अभी आपको एक दिखाया था मैंने, वही छोटा घाट ये वाला है जहाँ स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों ये है वो घाट। यह है श्री जी का मंदिर। जैसे अभी आधे से ज़्यादा मंदिर बंद हैं तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सभी मंदिरों के बारे में वर्णन और पूरा संयोजन दूंगा कि कब कौन सा मंदिर है और कब इसकी स्थापना हुई थी। गिरधारी गोपाल जी का मंदिर, और अब अपन चलेंगे तीसरे मंदिर तरफ जिसका नाम है नीलकंठ महादेव। तो गाइस ये है नीलकंठ महादेव का मंदिर जो कि दक्षिण दिशा की तरफ है, उसके अंदर चलेंगे। अब यहाँ से कांवड़ के लिए जाएंगे, तैयारी हो रही है अभी। तो गाइस ये है नीलकंठ महादेव का मंदिर, रेडा भाई लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं बहुत ही प्यारी तरीके से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों ये है नीलकंठेश्वर महादेव। और यहाँ से भी हमारे इसका नज़ारा दिखता है झील का, जो मैं वहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये घाट है और ये है वो घाट सामर का, और ये है हमारी पूरी देवानी सरोवर। सो गाइस मैं आपको रात को दो मंदिर दिखाऊंगा जो यहाँ के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, बाबा श्याम का और गणेश जी महाराज का मंदिर जिसके रात को अपन आरती देखेंगे। ओके गाइस तो सी यू इन नाइट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस ये है अपने श्याम बाबा का मंदिर, तो थोड़ा चलिए करीब से देखते हैं इसको अपन और जाके। थोड़ा काम चल रहा है रेनोवेशन का, अरे मंदिर है बाबा श्याम गणेश सरकार का। तो जैसे
जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हैं संकटमोचन हनुमान जी। और इसके बाद अपन चलेंगे, इस मंदिर को अपन देख लेते हैं पहले अच्छे से। देखिए कितना प्यारा मंदिर है और कैसे कांच का काम हुआ हुआ है मंदिर के अंदर, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर। और ये अपने तपस्वी महाराज हैं जिनकी यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, ये उनके पक्षिन हैं देखिए। और अब अपन चलते हैं परिक्रमा काटने, बहुत ही प्यारी हनुमान जी की फ़ोटो के साथ में यहाँ पर परिक्रमा होती है। यहाँ चलते हैं, ये बाबा का मंदिर है बहुत ही प्यारा। तो इसके बाद अपन चलेंगे गौरी शंकर महादेव। तो ये माँ कालेश्वर उज्जैन की फोटो लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ भी अंदर नक्काशी का काम हुआ है, बहुत अच्छा कांच का काम हुआ है। तो अब अपन चलते हैं गौरी शंकर महादेव, चलिए चलते हैं। हम गौरी शंकर महादेव के आ चुके हैं, ये देखिए बहुत ही प्यारा शिवलिंग गौरी शंकर महादेव का। और ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है बाबा का। तो बस आइए बाबा के दर्शन करते हैं।